हमारे साथ हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा जी। ये जो आप लोग का गठबंधन है, इस गठबंधन में आज शाम तक आप लोगों ने दिया है नोटिस कि कुशेश्वर स्थान से अपना कैंडिडेट आरजेडी वापस कर ले, तो आपको लगता है कि ये ऐसा कुछ हो पाएगा और महागठबंधन पर इसका क्या असर पड़ेगा? तो ये अभी तो आप हम लोग मौन व्रत में थे, अभी तो जो इशू हम लोग का रिसेंट था उस पर आप पूछते तो ज़्यादा अच्छा होता। वो तो हमने कर दिया, उस समय में भी बात हो गई, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन अब तो मौन व्रत खत्म हो चुका है और सवाल अब बिहार का है, बिहार की राजनीति को लेकर है। आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो ऐसे में आप क्या समझते हैं? राजनीति में अल्टीमेटम भी दिया जाता है, निगोशिएशन भी होता है, लेकिन हमारे लोगों की राय है, आम लोगों की राय, आज से नहीं बहुत पहले से, जो हम लोग इंडिपेंडेंट होकर चुनाव लड़ें और मैंने अपने वर्कर्सों को लगा दिया है काम में। अब देखना है जो उनमें कितना दम है हमारे वर्कर्स में, ये मेरा टेस्ट है, हम टेस्ट ले रहे हैं अपने वर्कर्स का और हम पूरे मुस्तैदी से लड़ेंगे। और मुझे तो ऐसी कोई, जो आप कह रहे हैं, ऐसी कोई निगोशिएशन नहीं हो रहा है। ये हमारे प्रभारी जी निगोशिएबल आदमी हैं, वो चाहते हैं शांति से काम हो, इसलिए उन्होंने एक मौका दिया है। लेकिन मुझे तो पूरा उम्मीद है जो आमने सामने की लड़ाई होगी। ये कहा जा रहा है कि आपका और आरजेडी का मैच फिक्सिंग है, आप लोग आसपास में बात करके अपना कैंडिडेट उतार रहे हैं। अब किसका मैच फिक्सिंग है, हो सकता है वो हमको जिताने के लिए मैच फिक्सिंग कर रहे हों। कोई कहते हैं जो फ्रेंडली फाइट है, कोई कहते हैं जो मैच फिक्सिंग है। अब आरजेडी का बयान आप देखे होंगे, वो कहते हैं फ्रेंडली फाइट। एनडीए के लोग कहते हैं जो मैच फिक्सिंग है। तो अगर मैचे फिक्सिंग है, फ्रेंडली फाइट है, तो हम तो घबरा क्यों रहे हैं? घबराने की तो कोई बात नहीं, हम लोग आएंगे लड़के चल जाएंगे। दोनों में घबराहट क्यों है? तो क्या ये दो सीटों के बाद आप लोगों का गठबंधन रहेगा या नहीं रहेगा? राजनीति में ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी, मेरा निर्णय आला कमान लेती है शुरू से ही, और अभी जो हमने उम्मीदवार दिया है आला कमान के सहमति से दिया है, तो ये चुनाव तो हम लड़ेंगे, हमको पूरा उम्मीद है जो लड़ेंगे, क्योंकि सारा डिस्कशन होने के बाद हमने उम्मीदवार उतारा है। और कन्हैया क्या आपके प्रचार में आएंगे? हाँ, कन्हैया जी मेरे पार्ट एंड पार्सल हो गए, अब वो मेरे माने कांग्रेस पार्टी के सदस्य हो गए और कई क्षेत्र से उनका डिमांड भी हुआ है, तो हमने उन्हें का आग्रह किया आने के लिए, हमको लगता है निश्चित रूप से आएंगे। हमारे साथ हैं सुबोध कांत सहाय जी। झारखंड की राजनीति में, बिहार की राजनीति में काफ़ी उठा पटक है, आप झारखंड में साथ हैं कांग्रेस आरजेडी, यहाँ पर दोनों आमने सामने हैं, इसका क्या असर होगा? साथ यहाँ पर भी हैं, लेकिन एक विशेष परिस्थिति उभरी है जिस परिस्थिति का कहीं ना कहीं निदान होगा, और मैं समझता हूँ कि जब कोलिशन है ना, तो कोलिशन में एकदम 100% स्मूथनेस हो जाए ये संभव तो है नहीं, तो इसीलिए ये जो नया परिस्थिति निकला है इस पर यहाँ के राज्य का जो यूनिट है हमारा प्रदेश कांग्रेस कमेटी, उन्होंने एक अपनी रूपरेखा बनाई है, अपना सोच है, लेट्स वेट फॉर दैट। तेजस्वी यादव क्या फिर भी महागठबंधन के नेता होंगे? देखिए, हम समझते हैं कि अभी कुछ हुआ ही नहीं है और इतनी बड़ी बड़ी सवालों का जवाब पूछ लीजिएगा तो वो निरर्थक है। हमारे साथ हैं भक्त चरण दास जी, जो कांग्रेस के यहाँ के प्रभारी हैं, जो बताएंगे कि आरजेडी के साथ जिस तरह का संबंध था उसको लेकर के जो खटास आई है दो सीटों को लेकर के, उपचुनाव को लेकर के, आपने क्यों अल्टीमेटम दिया आरजेडी को और आरजेडी के साथ अब रिश्ते किस तरह के होंगे? अब देखिए, शाम को पता चल जाएगा, आज उद्रवाल का लास्ट डेट है, पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है, उसके बाद हम कह पाएंगे। कांग्रेस दो सीट में नॉमिनेशन किया है और जीतने के लिए कांग्रेस चुनाव लड़ने जा रहा है, इसमें कोई समझौता नहीं। अगर वो गठबंधन को सम्मान करते हैं, जिस विचारधारा के ऊपर गठबंधन बना था, लेफ्ट वो और हम जिस तरह से बने थे, जिस कॉज के लिए, जिस कारण के लिए, उस कारण आज क्या नहीं रहा आरजेडी के सामने,
हमारे 19 विधायक का समर्थन उनको नहीं चाहिए, उनको क्या चाहिए, किसका समर्थन चाहिए? एक विधायक हमारा हमारे स्थान से छीन के उनको क्या मिलेगा? और रियली हमारा 19 के साथ है, ये भी हमारा जीतता तो उनका ही होता। तो ये बहुत बड़ा राजनीतिक प्रश्न है कि क्यों छोड़ रहे हैं वो, क्यों इतना जल्दीबाजी है? उसका कारण उनको देना पड़ेगा जनता को, कि हमारा वोट उनको नहीं मिला। हमारा जो पारंपरिक वोट है कांग्रेस का, उनको पिछले दिन हमारे गठबंधन से उनको नहीं मिला, तो आगे पता चलेगा। लेकिन तेजस्वी यादव या लालू यादव ये कह रहे थे कि जो उनका मुख्यमंत्री नहीं बन पाया महागठबंधन का, क्योंकि आपको ज़्यादा सीटें दे दी गई थी, उसके आप हकदार नहीं थे, आप सिर्फ 19 सीटें जीते जबकि उनका स्ट्राइक रेट काफ़ी ज़्यादा था, यानी आपके पास वोट नहीं है। मुझे नहीं पता है वो लालू जी यार तेजस्वी ने कहा है क्या हमको ज़्यादा सीट दे गई थी, लेकिन 26 सीट जो मिला था वो हमने कभी नहीं लड़ा था, वो RJD लड़ता था। जो हमने कभी नहीं लड़ा वो RJD लड़ता था, वो अचानक हमको दे दिए तो हमारे पास चारा क्या था। अच्छा, ये जो BJP के लोग हैं, JDU के लोग आपको कहते हैं आप पिछलग्गू हैं, आप हमेशा से उनके पीछे लगे रहते हैं, आपको बार बार वो दरकिनार करते हैं आपके साथ, वो देख नहीं रहे हो क्या हो रहा है? कांग्रेस फाइल क्या है ना, कांग्रेस लड़ेगा ना, पता चल जाएगा। ये महागठबंधन का क्या भविष्य होगा? वो भविष्य क्या होगा एक दिन में पता चल जाएगा आपको। ये क्या महागठबंधन के टूट के लिए कौन जिम्मेदार होगा? RJD जो अभी तो टूटा नहीं है, RJD है। RJD अगर उद्रो करता है तो ठीक है, फाइल उन्होंने किया है हमारे सीट पे, हमारा सीट पे उनको नॉमिनेशन नहीं करना चाहिए था, तो क्यों किया है? ये तेजस्वी ने कहा, जिम्मेदार क्या है? तेजस्वी ने कहा कि फ्रेंडली फाइट होगी। फ्रेंडली फाइट कोई नाम का नहीं है, वो सब होगा नहीं, फैमिली फाइट नहीं होगा, हम जीतेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। भक्त चरण दास जो प्रभारी है उनका साफ कहना है कि ये जो RJD ने दो उम्मीदवार खड़े किए उनमें से एक सीट उनका था कुशेश्वर स्थान, जबकि RJD ने एक तरह से जबरदस्ती की है, तो इस टूट के लिए RJD को जिम्मेदार बताया जा रहा है। हमारे सहयोगी शैलेश के साथ प्रकाश कुमार, ABP न्यूज पटना। ABP न्यूज आपको रखे आगे।